लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माल क्या है? इस ट्रक में सिर्फ रेडियो, वीडियो और कपड़े, इसलिए तो तुम्हारा जैसा आदमी चुना है। सोनपुर चर्च के पीछे हमारा आदमी तुम्हारा इंतजार करेगा। ट्रक का नंबर क्या है? हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। यस, सोनपुर रोड के ऊपर एक ट्रक जा रहा है। ट्रक के अंदर स्मगलिंग का माल है। ट्रक का नंबर है CHW 6163। आर यू श्योर? तुम्हारी इंफॉर्मेशन पक्की है? वेरी गुड। अरे हाय हाय, ये मजदूर हमारी नीलू से ये दूर, मुझे पल पल है सताए। अरे ऐसी आलतू फालतू नौकरी और मेरी लाखों की छोकरी जाए। कहा था ना, अगर तुम दोनों ने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा तो एक दिन ये सजा इतनी लंबी हो जाएगी कि तुम्हारी जवानी जेल में कट जाएगी। डैड, आई एम सॉरी। मैंने तो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाया था। यू नो डैड, मैंने कन्नू को थोड़ा सा माल दिलवाकर पुलिस को उसके पीछे लगवा दिया था ताकि मन्नू के लिए रास्ता साफ हो जाए और हमारा सारा स्टॉक हमारे पास पहुंच जाए। मगर डैड, ये इंस्पेक्टर सेना हम सबसे ज्यादा चालाक निकला। लेकिन बेटा बिच्छू, ये लड़का मन्नू तो इंस्पेक्टर से भी ज्यादा होशियार निकला। ये देखो, उसके पास सिर्फ 300 ग्राम कोकीन बरामद हुआ है। मतलब डैड? मतलब ये कि गिरफ्तार होने से पहले उसने बाकी का माल कहीं और छिपा दिया होगा। बेटा, अब एक काम करो, मनु को खबर करो कि किसी तरह भी जेल से भागकर लाल कोठी पहुंचे।
सिन्हा साहब, हमारे आदमियों ने इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन कन्नू और मन्नू का कहीं पता नहीं चला। इस जंगल को चारों तरफ से घेर लो ताकि वो दोनों कहीं भाग ना पाए। सुना तो था लेकिन आज देख भी लिया है, गधों के सर पर सींग नहीं होते। फिर भी कुत्तों पे तो भारी होते हैं। मन्नू अपना रास्ता खुद ढूंढता है, समझा? और कन्नू किसी और के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, समझा? लेकिन अब तेरे को अपुन के साथ चलना पड़ेगा, समझा? क्योंकि बदकिस्मती से तेरा हाथ अपुन के हाथ से बंध गया है। और हाँ, हथकड़ी पत्थर से नहीं अक्कल से टूटती है। अपुन एक ऐसी जगह जानता है जहां से हथकड़ी भी कट जाएगी और पुलिस को भी खबर नहीं पड़ेगी। मन्नू एक बात याद रखना, कन्नू जिंदगी में एक बार दोस्ती में धोखा खा गया था, लेकिन दुश्मनी में कन्नू धोखा देने वाले को खा जाएगा। मन्नू अब जब भी हिसाब करेगा, हिसाब से करेगा, धोखे से नहीं, समझा? Come on.
मिस्टर वर्मा, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम उन दो कैदियों को ढूंढ नहीं पाए हैं। लगता है नदी पार करके कहीं घने जंगल में घुस गए हैं। इसीलिए उन दोनों को इस इलाके में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। There is only one way. We must have a helicopter. बात नहीं, मैं जितनी फोर्स चाहे दूंगा। अरे भाई हेलीकॉप्टर भी दूंगा, लेकिन कंदू और मनु किसी हालत पर भी भाग नहीं पाए। अच्छा ओके सर। हाँ, ये कन्नू और मनु जिनके पास से सिर्फ 300-300 ग्राम कोकीन निकली है, सारी पुलिस फोर्स उनके पीछे दौड़ा रहे हैं। बात को समझ में नहीं आई। मैंने 300 ग्राम नहीं, 300 किलो माल पकड़ा है। 300 किलो? तो फिर वो बाकी माल कहाँ है? बाकी का माल मैंने हिफाजत से छुपा रखा है और अखबारों में जानबूझकर ये खबर छपवाई है कि सिर्फ 300 ग्राम माल पकड़ा गया। लेकिन हमें इससे क्या फायदा? फायदा है ना एक, मुझे पूरा यकीन है कि ये माल केके का है, और ये भी यकीन है कि केके इस वक्त ये समझ रहा है कि वो बाकी का माल कन्नू और मन्नू के पास है। जाहिर है वो कन्नू और मन्नू से मिलने आएगा और उस वक्त मैं उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लूंगा। तो ये बात है, कानून की दुनिया का वो मामूली सा प्यादा काली दुनिया के बादशाह के साथ तेरी चाल चली गया। लेकिन बिच्छू साहब,
फिर भी वो ये बाजी जीत नहीं सकेगा, क्योंकि मुझे और सिन्हा को आपके इलाके में तैनात किया गया है। इस वक्त वो कहाँ होगा? अपनी बेटी का बर्थडे मनाने घर गया है। बेटी का बर्थडे? हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, क्या बात है, आज आप गुड्डू के बर्थडे पर नहीं आए? अरे भाभी जी, आप तो पुलिस वालों को अच्छी तरह जानती हैं। आ ही रहा था कि रास्ते में। खैर, जरा सिन्हा को दीजिए। एक मिनट। हाँ बोल नायक। सिन्हा, बड़ी खास इन्फॉर्मेशन मिली है। केके और बिच्छू दोनों लाल कोठी पर हैं और दोनों सबूतों के साथ पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस फोर्स लेकर पहुंच, मैं अभी आता हूं। सिन्हा साहब, देखे केके के हाथ जो कानून से कितने लंबे और मजबूत हैं। सिन्हा, मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते मशवरा देता हूं, अगर तुम्हें हाथों से अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी तरह कानून को अपनी मुट्ठी में बंद रखने वाले इन हाथों से हाथ मिला दो। सिन्हा, हड्डी के लिए गद्दारी करने वाले कुत्ते मशवरा नहीं दिया करते, सिर्फ अपने मालिक के तलवे चाटा करते हैं। और हाँ, तेरे इस मालिक के लिए भी मेरा एक मशवरा है। कानून को अपनी मुट्ठी में बंद रखने की गलतफहमी इससे पहले भी कई बेवकूफों ने की है, मगर अंजाम क्या हुआ? मौत। मौत? पर बिच्छू का काटा मरता नहीं, तड़पता है। सीधी तरह से माल का पता बताता है या मैं तेरा सीना चीर के खुद पता निकाल लूं। नहीं बेटा बिच्छू, नहीं। जिस तरह धूप होती है तो छांव का मजा आता है, भूख होती है तो खाने का मजा आता है, उसी तरह जब इस जैसा आदर्शवादी कानून का रखवाला हो तो कानून तोड़ने का मजा आता है। सेना, अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी तुम्हारी खाल से उस वक्त तक अलग करते रहेंगे जब तक कि ना सिर्फ तुम हमें उस माल का पता बताओगे बल्कि हमारे तलवे चाट चाट कर जिंदगी भर हमारा पालतू कुत्ता बने रहने की कसम भी खाओगे। अरे केके, तुझे कुत्ते पालने का शौक है लेकिन पहचानना नहीं आता। अरे तेरे सामने जो खड़ा है वो नायक नहीं, सिन्हा है, इंस्पेक्टर सिन्हा। बोटी बोटी तो क्या, मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा भी निकल जाए तब भी इस वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा। अरे आजमा कर देख ले, आज तेरे जुल्म की जीत है या मेरे इरादे की। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक बताओगे नहीं तुम्हारे जिस्म से एक एक बोटी नोच लूंगा। देश की आन पे जान देने वाले मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं केके। अमर तो मैं तुम्हें करूंगा। गुला, जो अमर हो जाते हैं उन्हें मेडल भी मिलते हैं। सुना, अब बाजी इनके हाथ में है, मान लो इनकी बात। तुम बोल, माल कहाँ है? बोल, नहीं बताऊंगा। बोल, नहीं बताऊंगा। नहीं, किसी साहब पुलिस। बिच्छू, yeah
अब पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। भाग जाओ। गया। की पत्नी होना भी एक सजा है। बस इंतजार ही इंतजार। जनाब ये आते हैं और ये जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, दूर रहकर हम आपके दिल के करीब रहे या ना रहे, लेकिन हमारा बनाया हुआ स्वेटर जरूर आपके दिल के करीब रहेगा। देखिए कितना जच रहे हैं आप, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाभी, क्या बात है भाई साहब? भाभी, सिन्हा साहब, क्या हुआ उन्हें? सिन्हा साहब, बोलिए ना भाई साहब, बोलिए क्या हुआ है? बोलिए ना भाई साहब, क्या हुआ ने? बोलिए भाई साहब। बोलिए भाई साहब, सिन्हा साहब अभी दुनिया में नहीं रहे। Oh.